नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका बीकीपर दोस्त। हमारे YouTube चैनल हिमालयन बीज में दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप मेरे हाथ में जो फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम मैंने इस बक्से से निकाली है। ये बॉक्स दोस्तों लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी कमज़ोर था, तो ये डिवीज़न मैंने इसमें नहीं किया। इसमें से जो फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं, ये एक मेरे हाथ में है जो मैंने अभी अभी इससे निकाली है। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इस बक्से में स्ट्रेंथ कितनी ज़बरदस्त है, और लास्ट वाली फ्रेम में आप देख सकते हैं हनी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें दोस्तों 8 फ्रेम अभी भी है, तो इसमें से मैंने एक फ्रेम ऐसे निकाल दी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रेम मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि जो मेरे पास कमज़ोर कॉलोनी है, मैं उस कॉलोनी में ये फ्रेम ब्रूड के सहित ही उस बक्से में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये आप मेरे फर्म की जो बी बॉक्सेस हैं, इन्हें देख पा रहे होंगे। तो ये वाला बॉक्स है फ्रेंड्स सामने, तो इसमें स्ट्रेंथ कुछ बहुत ही कम है। और इसको मैं खोलता हूँ और इसमें मैंने मक्खियाँ डाल देनी है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ कुछ ख़ास नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बक्सा जल्दी से जल्दी काम करे, क्योंकि ये लेइंग बर्कर भी था, तो इसमें नई रानी डाली है, तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ये घर जल्दी से जल्दी बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ जगह बना दी है, आपने देखा, तो ये जो फ्रेम है मेरे पास, ये मैंने बाहर इसलिए निकाल के रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें जो अडल्ट मक्खियाँ हैं, जो बड़ी मक्खियाँ हैं, वो इस बक्से में चली जाए उड़ के। और दोस्तों, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये फ्रेम मैं डायरेक्ट उस बक्से में डाल दूँगा, बिना धुएँ के, बिना स्मोक के, मैं डायरेक्ट ही इन मक्खियों को ब्रूड सहित उस बक्से में, कमज़ोर कॉलोनी में डाल दूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, एक ध्यान देने वाली बात यह है, आपने रानी को चेक करना है कि इस बक्से में से जो रानी है वो इस फ्रेम में ना आए। अगर रानी इसमें आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका जो घर है वो ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ये काफ़ी देर से मैं ऐसे बाहर रख रहा हूँ इसको, ताकि इसमें जो बड़ी मक्खियाँ हैं वो उड़ जाएं, और जो नर्स बीज हैं वो मैं डायरेक्ट ही उस बक्से में डाल दूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 फ्रेमें दे दी है, तो मैं इसको, मैंने सोचा आप दोस्तों को दिखा दूं कि ऐसा भी हो सकता है सिराना में कि हम डायरेक्ट बिना पेपर वर्क के मक्खियों को मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको ऐसे हिला भी सकते हैं, ताकि जो बड़ी मक्खियां हैं उड़ने वाली है वो चली जाए, ताकि वो आपस में लड़े ना। रानी का फ्रेंड्स, आपने रानी का ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ही सोच समझकर फ्रेम को निकालना है। और क्यून नहीं आनी चाहिए, अगर क्यून आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फ्रेंड्स, फिर आपका ये घर भी, इसमें ब्रूडिंग तो है तो ये सेल उठा देगी, और जो जिस बक्से में हम इनको डाल रहे हैं वहाँ पर डबल रानियाँ हो जाएंगी, और वो एक रानी को रखेगी और एक मार देगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ब्रूडिंग इसमें, और लार्वा स्टेज भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेम को मैं इन मक्खियों के समेत ही उस बक्से में डाल दूँ। मैं अभी रानी को देख रहा हूँ, कहीं रानी इसमें ना रह जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लग रहा है इसमें रानी नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये फ्रेम डायरेक्ट बिना पेपर लगा के, ना दिन, पूरे दिन में ही ये काम कराऊँ, ना कोई शाम का इंतज़ार, ना कुछ, ये लेइंग वर्कर था,
तो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें अभी भी है। और ये फ्रेम मैं डायरेक्ट इसमें एंटर करवा रहा हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, मैं ये फ्रेम को यहाँ डायरेक्ट, ये देखिए, मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस फ्रेम को। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये फ्रेम इसमें ऐसे डायरेक्ट लगा दी है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने इसके साथ मक्खियों को सटा दिया है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने ब्रूड वाली नर्स मक्खियों के साथ जो है फ्रेम इसमें लगा दिए। मैं करता हूँ इसको बंद, और इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो फ्रेम हमने उठाई है उसमें सिर्फ नर्स मक्खियाँ ही रहनी चाहिए, बड़ी मक्खियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो जो नर्स बीज है ये जो बॉक्स की मक्खियाँ हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ब्रूड तो खैर ये एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो इस तरीके से आप इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से मैंने कल फ्रेम डाली थी, अभी ठीक ही लग रही है इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी। इसमें मैंने ये फ्रेम दोस्तों इसलिए डाली थी क्योंकि इसमें जो है क्यून, मैंने क्यून सेल डाला था, ये दूसरा बक्सा है जो लेइंग वर्कर हुआ था, तो इसमें मैंने क्यून डाली थी। तो लेकिन फिर भी ये एगलिंग उसमें कर रही थी और ड्रोन के जो सेल हैं वो बन गए थे, तो फिर मैंने इसमें ये फ्रेम डाली है। आप देख सकते हैं मक्खियाँ इसमें आराम से काम कर रही है, ये देख सकते हैं आप दोनों साइड्स। तो इसको रखता हूँ इसके अंदर, दोस्तों बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, इसमें आपने एक ही ध्यान रखना है कि जो बड़ी मक्खियाँ हैं वो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं डालनी है, नहीं तो क्या है वो रॉबिंग हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सेल पड़े हैं ये ड्रोन के सेल हैं, इसमें लेइंग वर्कर हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा लेइंग वर्कर जो है, अब तो इसमें जो एग्स हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि इसमें मैंने रानी डाली है, तो ये एग्स देनी इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो जो इसमें एग्स दिए हुए हैं पहले के, उनमें से जो ड्रोन के सेल आप देख सकते हैं, ये ड्रोन ही ड्रोन बन गए थे। तो दोस्तों इतने सारे बक्से में किस बक्से में क्या चल रहा है कभी ध्यान नहीं रहता, कईयों में क्यों उनका मिस हो जाए तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी दिन के बाद जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे, जैसे ही मैंने इस बक्से को खोला, पहली नज़र में मैं समझ गया था कि इसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के सिम्टम अगर आपके पास आ जाएँ और ऐसे ड्रोन ड्रोन के सेल बन जाए तो समझ जाइए कि ये लेइंग वर्कर है, और अगर उसमें अंडे भी ज़्यादा दिए हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि इसमें लेइंग वर्कर प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सेल में कोई भी मक्खियों ने अंडे नहीं दिए हैं क्योंकि मैंने इसमें क्यों ना डाल दी है, सेल डाल दिया था। यहाँ मुझे इसने काट दिया है, तो ये इस फ्रेम को भी देखते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ब्रूड की हालत, और मक्खियों का कलर भी कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों जब ऐसा लिंग वर्कर घर हो जाता है, तो ये काली पड़ जाती है मक्खियां भी, और पहचान में पहले ही आ जाती है कि कुछ दिक्कत है इस घर में। मैं आपको यहाँ रानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि जो इन्होंने एगलिंग की थी शुरू वो अब ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों इसमें क्यून आपको दिख रही होगी, ये सक्सेसफुली इस घर में चल पड़ रही है, ये मैंने सेल डाला था इसमें, ये कहीं दूसरी साइड फिर से चली गई। तो ये मैंने इसमें सेल डाला था और आप देख सकते हैं मक्खियों इसमें जो है एगलिंग दोबारा से शुरू हो गई है,
तो इस तरीके से दोस्तों लेइंग वर्कर घर कैसे ठीक करें, उसको जल्दी से जल्दी मजबूत कैसे करें, सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है फ्रेंड्स, ये जो घर मैंने बुरी तरह से ख़राब लेइंग वर्कर था वो भी अच्छे से ठीक किया है। तो मैं रानी डाल के उसको ठीक कर सकते हैं और साथ में उसकी जो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।